सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू मनोड। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस यूपीपीएससी सारे पीसीएस लेवल के लिए, वो है भारत में मानसून। जो भारत में मानसून चैप्टर है आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। आप इसमें अगर थोड़ा सा स्किप करेंगे तो हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट सा जो पार्ट है वो आप मिस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए पहले देखते हैं मानसून से तात्पर्य क्या होता है। जो मानसून शब्द है, मानसून शब्द है वो एक अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका मतलब होता है हवाओं की मिजाज। क्या मतलब होता है? हवाओं की मिजाज। ओके, मौसम शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है हवाओं की मिजाज। ओके, आप इसको नोट करेंगे, इम्पोर्टेंट है यूपी पीसीएस में। क्या पता कि आप किसी भी पीसीएस लेवल एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछ लें, हो सकता है ऑप्शनल ऐसे में पूछ सकता है ऑप्शन वाले में। तो देखिए जो भारत में मानसून होते हैं, देखिए जो भारत में मानसून होते हैं वो एक होती है शीत ऋतु वाली, एक होती है शीत ऋतु वाली और एक होती है ग्रीष्म ऋतु वाली। हम जो मानसून आती है, ओके, इनकी जो शीत ऋतु वाली हवाएं होती है वो कैसी बहती है, शीत ऋतु वाली पवने कैसी बहती है? तो ये बहती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ओके, जो शीत ऋतु वाली हवाएं होती हैं, वहीं जो ग्रीष्म ऋतु वाली होती है, ग्रीष्म ऋतु वाली हवाएं कैसी बहती हैं? ग्रीष्म ऋतु वाली कैसी हवाएं बहती हैं? वो उल्टा इसके जस्ट बहती हैं, जो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ती हैं। ओके, मैं लिख देता हूं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक ऐसे ग्रीष्म ऋतु वाली हवाएं जो होती हैं वो बहती हैं। ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट था, आपको ये नोट कर लेना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना है। तो देखिए ये जो पहले हम लोग, ये एक ऐसी पवने होती है मानसून वाली, मानसून ऐसी पवने होती है जिसमें कि इनको ट्रेड विंड भी कहा जाता है या फिर व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है। अब आप पूछोगे व्यापारिक हवाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जिस दिशा में बहती है, पहले के टाइम पे जिस दिशा में ये बहती थी उस दिशा में जो व्यापारी हुआ करते थे, नाव से जाया करते थे, उसी दिशा में सेम में बहा करती थी, जिससे कि जो नाव होती थी उसे चलने में आसानी होती थी समुद्रों में, इसलिए इनको व्यापारी हवाएं भी कहा जाता था, ट्रेड वेड्स। ओके, इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है, मानसून की उत्पत्ति हम लोग अब पढ़ते हैं। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो चलिए अब हम लोग मानसून की उत्पत्ति हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए मानसून की उत्पत्ति, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। अभी मानसून की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो मानसून की उत्पत्ति के देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए इसके फैक्टर्स पहले आते हैं एल नीनो ला नीनो, एल नीनो और ला नीनो, इसके बारे में आपको मैं एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा। ओके, इसके बारे में अगर मैं अभी बताना चाहूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो एल नीनो और ला नीनो के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। अभी हम लोग समझते हैं, देखिए मानसून जो भारत में मानसून होता है वो कैसे रहता है। अगर देखिए कहीं भी मानसून होगा, पहले एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है, ओके, ये एक एरिया है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पे ये जो यहां पे टेम्परेचर, बीच में जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है और साइड साइड में यहां यहां पे टेम्परेचर जो है लो है। क्या है? टेम्परेचर लो है। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए, आपने अगर क्लास 11 की ज्योग्राफी पढ़ी होगी उसमें बताता है कि जो टेम्परेचर होता है अगर जहां भी ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर अगर जिस जगह पे भी ज्यादा होगा तो वहां पे जो प्रेशर होगा वो कम होगा। ठीक, तापमान ज्यादा तो जो प्रेशर होगा, दबाव, वो कम होगा। और वही अगर जहां पे
देखिए जैसे ये बीज का हिस्सा है, अब ये बीज के हिस्से में टेम्परेचर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या है, कम है, दबाव कम है, यानी लो प्रेशर रीजन है, कि बीच में लो प्रेशर रीजन है। और यहाँ पे अगर टेम्परेचर कम है इस जगह, इन दोनों जगहों पे देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे टेम्परेचर कम है, तो इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर वाला एरिया है, हाई प्रेशर वाला एरिया है। और आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि जिस, देखिए जो पवने होती है, हवाएं, वो कैसे बहती है, वो कैसे बहती है, हाई प्रेशर एरिया से, यानी उच्च दबाव वाले एरिया से लो प्रेशर वाले, यानी नीचे दबाव वाले एरिया तक। तो यहां से ये जो हवाएं होंगी, ये प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर एरिया, ये दोनों हो गया, बीच में लो प्रेशर एरिया हो गया, तो हवाएं जो होंगी ऐसे ऐसे बहेंगी, यहां से भी आएंगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, लो प्रेशर एरिया की तरफ आएंगी, और जो लो प्रेशर एरिया की तरफ आएंगी, आते आते कुछ इस टाइप का डायग्राम पूरा हम लोगों का बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगी। क्यों ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, क्योंकि ये जो लो प्रेशर एरिया है हमेशा किधर की तरफ अट्रैक्ट, लो प्रेशर एरिया हाई प्रेशर एरिया को अट्रैक्ट करता है हमेशा, तो ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगी, ऊपर की तरफ अगर ये जाने लगेंगी तो ये क्या करेंगे, बादलों का निर्माण कर देगी, बादलों का निर्माण कर देगी, और उन्हीं बादलों से क्या होगी, वर्षा होगी, क्या होगी, वर्षा, यानी कि रेन होगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मानसून क्यों इंपॉर्टेंट है। मानसून रेन जैसे लो प्रेशर एरिया की तरफ आती गई ऊपर गई, फिर ऊपर से मेघों का निर्माण कर दी, क्या कर दी, मेघों का निर्माण, बादलों का निर्माण करने के बाद वर्षा की, बारिश की। ओके, तो इतना आप लोगों ने समझ लिया, ये ऐसे फैक्टर्स हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, ये देखिए है राजस्थान का एरिया, ये है राजस्थान का एरिया, है राजस्थान का एरिया, यहाँ पे क्या है, लो दबाव है, मतलब कि लोअर प्रेशर एरिया है, लो प्रेशर एरिया है। ये है तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू है, जो कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में जब इस पे सन की रेज पड़ती हैं, सन की रेज पड़ती हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये हाई इसका प्रेशर हो जाता है। और आप जानते होंगे जिस जगह का प्रेशर, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा उस जगह पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस जगह पे गर्मी ज्यादा उस जगह पे प्रेशर कम हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे जो हवाएं थी, मैंने ये जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे विंड आई थी, कुछ विंड आई थी लो प्रेशर एरिया की तरफ, और लो प्रेशर एरिया की तरफ आई थी तो लो प्रेशर एरिया वाली विंड बन गई। और लो प्रेशर एरिया वाली जो विंड होती है वो कैसी होती है, आप बताइए क्या होती है, लो प्रेशर एरिया वाली विंड हल्की होती है, ड्राई होती है, गर्म हवाएं हमेशा ड्राई होती है, इसलिए ये ऊपर की तरफ चली गई थी। ओके, तो यहाँ पे भी लो प्रेशर एरिया हो गया। और इधर की तरफ गर्मियों के टाइम पे ये है अरब सागर वाला एरिया, ये है बंगाल वाला एरिया, ये है हिंद महासागर वाला एरिया, ये है हिंद महासागर वाला एरिया। ओके, इस इन जगहों पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया है ये सब। और इधर ही जो होती हैं, इधर ही की तरफ हिंद महासागर हो गया, अब इधर ही की तरफ क्या होती हैं, हाई प्रेशर एरिया वाली जो ट्रेड विंड होती है, ट्रेड विंड इधर ही बहती है, यानी व्यापारिक हवाएं सब इधर ही की तरफ बहती हैं। अब ये देखिए व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं, व्यापारिक हवाएं इनकी तरफ क्या हो जाती है, अट्रैक्ट हो जाती है। अब आप पूछोगे अट्रैक्ट कैसे, हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर एरिया हमें, जो लो प्रेशर एरिया होता है और हाई प्रेशर एरिया एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, तो हाई प्रेशर वाला जो एरिया होता है वो लो प्रेशर एरिया की तरफ भागता है। ओके, आपको इतना पता है। तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर वाली एरिया व्यापारिक विंड है, व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड, ये इधर की तरफ क्या होने लगती है, दोनों तरफ से भारत की तरफ आने लगती है। अब ये जब दोनों तरफ से भारत की तरफ आती है, यहाँ पे मिक्सअप होके भारत की तरफ पूरा अंदर आने लगती है। ओके, इतना समझ गए, सेकंड फैक्टर आप लोग समझ गए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला, हाई प्रेशर और लो प्रेशर वाला, जिसमें तिब्बत का भी मेन फैक्टर होता है, तिब्बत भी एक मेन फैक्टर है हम लोगों के यहाँ बारिश कराने में। ये इधर की तरफ जो है नॉर्थ ईस्ट विंड है, ये नॉर्थ ईस्ट विंड इधर आती है, साउथ वेस्ट विंड इधर आती है। ओके, इतना आप लोग समझ गए। एक और फैक्टर है डिटरमाइन हम लोगों का करता है, एक और फैक्टर आता है जो कि मानसून की, हम लोगों के भारत में मानसून आने का एक कारण है, वो है, इसको मैं इरेज कर दे रहा,
ये हम लोगों का अर्थ, ओके मैंने जब प्योर सर्कल पूरा नहीं बन पाया बट समझ लीजिए हम लोगों का अर्थ है। यहां से जाती है इक्वेटर 0 डिग्री पे, ओके ये है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, अभी उनके बारे में हम लोग ने डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोगों का जो है ये हम लोगों का इंडिया है, ओके ये हम लोगों का इंडिया है। देखिए इक्वेटर 0 डिग्री पे है, हिंद महासागर के नीचे है, तो ये जो हवाएं होती हैं ये पवने, मैं दूसरे मार्कर से इसको कर देना, ये जो हवाएं हैं इधर की तरफ आती हैं, इक्वेटर के ऊपर जैसे जाती हैं, ये इक्वेटर की तरफ से इंडिया की तरफ जैसे एंटर करने की कोशिश करती हैं, तो इधर से ये अपने अंदर क्या ले लेती हैं, इनके अंदर नमी आ जाती है, क्या जाती है नमी आ जाती है, जिसके बाद ये बारिश हम लोगों को इंडिया में एंटर करने के बाद बारिश करने लगती है, क्या करने लगती है बारिश करने लगती है। इस तरीके से जो हम लोगों का मानसून एंटर करता है, अब मानसून एंटर तो कर गया, अब भारत के अंदर कैसे कैसे जाता है ये देखिए, दो ये जो मानसून आता है जैसे इंडिया में आता है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, दो पार्टों में बट जाता है, एक पार्ट को कहते हैं अरब सागर वाला, अरब सागर वाला हिस्सा एक हो गया और एक बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा हो गया, बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा हो गया ये ऐसे आया, ये अरब सागर वाला हिस्सा जो हुआ ये कौन से बंडे, ये है दक्षिण पश्चिमी और ये है उत्तर पूर्वी, ये हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्वी वाली जाती हैं, और जो ये जो दक्षिण पूर्वी वाली है ये आती तो सब एक साथ हैं, ओके समझने का देखिए आती सब मिलकर एक साथ है, अभी इनका नॉर्थ वाला अभी ना समझिए, नॉर्थ में अभी नहीं है, ओके आती है सब एक साथ, दक्षिण पश्चिमी हवाएं, भारत में दक्षिण पश्चिमी हवाएं कुछ इस टाइप से एंटर करती हैं, एंटर करती हैं, इनको कहा जाता है मानसून। अब ये जब वापस जाती हैं मानसून जो होते हैं मानसून क्लाउड जो भारत से वापस जाते हैं तो इनको कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं, उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर इसे हम रिट्रीटिंग मानसून भी इंग्लिश में कहते हैं, इसे और भी आप नाम जानते होंगे रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून मतलब जो मानसून जो वापस जाता है रिट्रीटिंग मानसून, अरब सागर में आया। अब यहाँ पे आके ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाते हैं, दो पार्ट में स्प्लिट, एक अरब सागर वाला एक बंगाल की खाड़ी वाला हिस्सा हो गया, ओके ये इधर की तरफ जाएंगे और अगर जाते जाते अरब ये भारत में ये अरब सागर वाले हिस्से से जाएंगे और ये बंगाल की खाड़ी वाले, अरब सागर वाले जो हिस्सा होगा ये कब भारत में बरसती है, भारत में मानसून अरब सागर वाला, ये है भारत में मानसून, ये है भारत में मानसून, एक तो होती है ये जो अरब सागर वाली होती है ये जाती है जुलाई से सितंबर तक, ओके और ये होती है अक्टूबर से नवंबर तक, बंगाल की खाड़ी वाली अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर से नवंबर तक बंगाल की खाड़ी वाली होती है। आपको इतना सब समझ में आ गया, इसके अगले पार्ट में हम लोग बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या बाकी क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इससे हम लोगों के भारत में क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।